अरे पानी है। पानी क्या, गाड़ी धुल, ये गाड़ी गंदी है ना, तो गाड़ी धुलने के लिए पानी भर रखा है रोड पे, जिससे आप गाड़ी धुल लो। अब गड्ढा तो नहीं है कहीं, भट्टा से घुस जाए हम लोग अंदर। हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग है फरुखाबाद टू इटावा। इटावा का है लाइन सफारी का। आज हम सभी लोग जो है लाइन सफारी में घूमेंगे। पीछे जो है राहुल बैठा है और इधर मुकेश भाई साहब गाड़ी जो है चला रहे हैं धुआंधार। और चल के आज मैं आपको एक पूरा तरतीब से पूरा वीडियो दिखाऊंगा। अभी तक मैंने देखा है कि लाइन सफारी के अच्छी तरीके से किसी ने वीडियो पूरे बना के दिए नहीं। तो अभी हम लोग जो है फरुखाबाद में बघार पे आ चुके हैं और सामने आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा संखिसा, छिबरामऊ और मैनपुरी, एटा और बेवर। तो सामने सीधे हमको चलना है मोहम्मदाबाद होते हुए हम लोग जो है इटावा की तरफ जा। और कुछ फरुखाबाद की रोडें भी आप देख लीजिए, ये बहुत बढ़िया। देखिए गड्ढा ये आया, ये भैया गाड़ी देखना कहीं यहीं रह जाए, हाथ हाथ भरे तो गड्ढे हैं इसमें, और नया ड्राइवर तो यहीं रह जाएगा। समझ रहे हो, पुराना तो निकल जाए, नया नहीं निकल पाएगा यहाँ से। बहुत बुरी कंडीशन है पूरी रोड की यार इसकी तो यार। गाड़ी चलाने के लिए तो अगर आप सही से गाड़ी चलाते हो तो 200-300 किलोमीटर, अगर आप नए चला सीख रहे हो तो 200-300 किलोमीटर में आप चलाना अच्छे सीख रहे हो। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हो और कितनी नज़र सामने रखते हो आप। और अगला जो सामने चल रहा है उसकी सोच भी आपके अंदर होनी चाहिए। साला मोटरसाइकिल से एकदम मुड़ जाए, गिर जाए, पड़ जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला सिस्टम होना चाहिए। हाँ, मोटरसाइकिल वाला बिल्कुल सिस्टम होना चाहिए। और तकरीबन जो भी आज तक एक्सीडेंट देखे गए हैं हरदम क्रॉसिंग में ही होते हैं। अगर आपने सही से क्रॉसिंग कर ली, या रोड पार करना हो, चाहे आप किसी गाड़ी ट्रक बस को पार करना हो, तो एक लिमिट अपनी स्पीड रखो, कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी पहुंच गए हैं मोहम्मदाबाद, और मोहम्मदाबाद के क्या क्या फेमस है? रसगुल्ले मोहम्मदाबाद के बहुत बढ़िया मिलते हैं ना, और इस साइड वगैरह यहीं कहीं मिलते हैं। देखो RTO साहब, देखो रोड क्रॉस कर रहे थे। कुछ देखो, एक ये सामने जा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है रोड पार करने में, अगली गाड़ी रुकेगी या नहीं रुकेगी। इनका काम है, इन्होंने हाथ दे दिया, उसके बाद तुम्हारा काम है ब्रेक लगाओ या इनके ऊपर चढ़ा दो। कैसी मानसिकता रखते हैं इस आदमी पता नहीं। तो दोस्तों मैं बता रहा था मोहम्मदाबाद के रसगुल्ले बहुत फेमस है। अगर आप इस रूट से कहीं से निकलते हैं तो मोहम्मदाबाद के रसगुल्ले ज़रूर लेना, और बढ़िया कच्ची हंडी में मिलते हैं, बहुत ही फ्रेश, आपको खाने में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ट्रैफिक बहुत है, हम ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, और क्योंकि रोड इतना ख़राब था, जहाँ का रास्ता हमें 20 मिनट में तय करना था वहाँ लगभग हमें 1.5 घंटा होने को है। तो देख सकते हैं कि रोड की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हमें जो है समय ज़्यादा लग रहा है। हरा भरा इलाका है, बहुत बढ़िया लग रहा है घूमने में। बारिश का है नज़ारा, गांव है दोनों तरफ, इधर मक्के आपको दिखाई दे रही होगी पूरी। एक्सपीरियंस रहा आपका, बताइए अपना। भाई सुबह से चल रहे हैं 6 बजे से 6:30 बजे से, अभी तक बेवर आ पाए हैं। और रोड इतनी खराब है कि 1.5 घंटे, जहाँ आधा घंटा पौन घंटा लगना चाहिए वहाँ 1.5-2 घंटे लग रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा समय लग रहा है। और कुछ हमारे मुकेश भाई साहब जो है अभी नई गाड़ी चलाना सीखे हैं, तो कुछ इनके कारण और हम लोग डिले हो रहे हैं। इनको हम लोग ज़्यादा तेज चलाने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल भाई नहीं रहे हुए। वाह भाई, नज़ारा जो है बहुत ही मज़ेदार है। मौसम तो एकदम बिजली गिरा रहा है, एकदम बढ़िया, आसमान नीला हो रहा है, मौसम बिल्कुल साफ है। हालांकि दोपहर में 12 बजे के बाद गर्मी हो जाएगी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मौसम, एकदम बिजली गिर रही मौसम, मज़ा आ गया यार इस मौसम को देख के। हरियाली दोनों तरफ है, बारिश के मौसम के कारण हरे बड़े पेड़ जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। रोड यहाँ से रोड भी बढ़िया है, इस समय रोड काफ़ी अच्छी हो रही है यहाँ की। अब
अभी हम लोग आ चुके हैं काली नदी के पुल के ऊपर और कुछ ये देखिए काली नदी इस तरीके से दिखाई देती है। काफ़ी ज़्यादा पानी है भाई, बारिश का मौसम है इसलिए पानी जो है काफ़ी ज़्यादा है। गाड़ी बढ़िया आराम से एक सही अच्छी लिमिट में चल रही है और मुकेश भाई साहब जो हैं गाड़ी चला रहे हैं, काफ़ी पूजा पाठ में इनका काफ़ी ज़्यादा मन लगता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पुजारी हैं ये। तो आप देख सकते हैं गाड़ी में एक भोलेनाथ हैं और पीछे बजरंगबली हैं, एक शंकर पार्वती जी भी लगे हुए हैं और बीच में बजरंगबली यहाँ पर देखिए उड़ान ले रहे हैं। तो तीन चार मंदिर इन्होंने अपनी गाड़ी में लगा रखे हैं क्योंकि ये जो है ना पूजा पाठ में इनका बहुत ज़्यादा मन लगता है और कभी हम दोनों लोग भी सर्विस में एक साथ रहे हैं तो इसलिए हम लोगों की मित्रता जो है काफ़ी पहले से है। और आप देखिए नज़ारा आगे कितना बढ़िया हो रहा है मौसम, पर गांव का आदमी है बिना हाथ दिए मुड़ जाता है, इनका कोई भरोसा नहीं है, कहीं गाय कहीं भैंस भी आ जाती है। असल में ये मुड़ने से हाथ देने से पहले जो है या इंडिकेटर जलाने से पहले ये मुड़ जाते हैं, उसके बाद ये देते हैं जब आधा ये मुड़ चुके होते हैं। तो ऐसे गाँव वाले इलाकों में बहुत सोच समझ के और देख के भी गाड़ी चलानी पड़ती है। देख रहे हैं किस तरीके से मोटरसाइकिल लहराते हुए, जैसे कि ये मोटरसाइकिल बाइकर हैं और ये किसी रेस में हिस्सा ले रहे हैं। कन्नौज 68 किलोमीटर, इटावा 60 किलोमीटर, मैनपुरी 27 किलोमीटर, यहाँ से बेवर और बेवर फुरका से लगभग कितना 40 किलोमीटर के लगभग होगा ना। यहाँ के समोसे बहुत फेमस हैं बेवर के, यहाँ पे मीठे समोसे मिलते हैं, खा के मज़ा आ जाएगा। हालाँकि अभी हम लोग यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं समोसे के लिए क्योंकि हमें जहाँ पहुँचना है वहीं पे हमें जाना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं। कानपुर यहाँ से 145 किलोमीटर है बेवर से, और कन्नौज लगभग 66 किलोमीटर है, और ग्वालियर यहाँ से 175 किलोमीटर, इटावा सफारी पार्क जो है 66 किलोमीटर है। अच्छा इन ट्रैक्टर वालों की पता भी नहीं है कि ब्रेकें लगेंगी नहीं लगेंगी, इनकी ब्रेकें तो होती नहीं, रोकते गाड़ी जाती है। हाँ इनमें ब्रेक नहीं, पूरे खड़े हो जाते हैं ट्रैक्टर में, तब तो ट्रैक्टर रुकता है भाई। लोग अपने काम से जा रहे हैं, देखना गाय आ रही सामने, भैया गाय का कोई भरोसा नहीं है कब बीच में घुस जाए कि भैया इनको तुमको साइड देनी है, वो तुमको साइड नहीं देंगी, अपनी गाड़ी बचानी है खुद को बचाना है तो इनको साइड दे देना। नल चाहिए क्या करे हो क्यों हाथ तो नहीं पड़े यार, क्या पेशाब करके खा लियो, हाथ पांव धो के तब नाश्ता करेंगे। अरे हाथ धो लो यार, इतना तो पानी है, तुम्हारा कोई पता नहीं कहा तुम पूजा पाठ कर लो पहले, उसके बाद जो है तुम जो है खाना पीना करो, है ना। इतनी बड़ी नहीं है भाई। नहीं यार तुम बहुत बड़े, और तुम बजरंग बली बहुत बड़े भक्त हो गया हमें पता है। नहीं नहीं भाई, शंकर जी के भक्त। अच्छा अब तुम शंकर जी के चंद्र, हनुमान जी अपने गुरु, हम गुरु जी कोई मिलो नहीं, हमें तो ऐसे ही मिले, हमने गुरु जी का वो बनाओ ही नहीं आज तक। अब भैया लो गुरु जी इनने किसी को बनाया नहीं है, और फिलहाल तब भी यार इनका जो है इनके साथ रहोगे कुछ ना कुछ हरदम सीखने के लिए आपको पक्का मिलेगा। ऐसा यार देखने के लिए बहुत कम मौसम मिलता है, मौसम कहते हैं बिजली गिरा रहा है, बिल्कुल आग बरस रही है समझो, आग मतलब वैसे नहीं बरस रही, गर्मी है मतलब मजा आ रहा देखने में, वो वाला मौसम है। नाश्ता पानी के लिए रुके हम लोग और साथ में लेके चले हैं, मोरंग का ट्रक खाली हो रहा है, कंप्रेसर से पूरा उठा हुआ है, गिट्टी उतर रही है, गिट्टी का है कोई मतलब, बीच रोड में लगा के आराम से खाली कर रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं है ट्रैफिक रुके या ट्रैफिक चले। फरुखा से इटावा का रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, और ज़्यादा कोई नहीं 100 किलोमीटर की दूरी है, पर 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें लग रहा है लगभग 2 से 2.5 से 3 घंटा लग सकते हैं इसे तय करने में, और ट्रैफिक यार बहुत ज़्यादा है यार। काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, लगभग 9 बजने वाले हैं, और अभी तक हम लोगों ने मात्र 60 किलोमीटर ही दूरी तय की है क्योंकि काफ़ी धीमे चले हैं, रास्ता जो है बहुत अच्छा नहीं था, रास्ता ख़राब था बिल्कुल, फरुखा से इटावा का रास्ता बिल्कुल ख़राब है, टूटा हुआ रास्ता है। तो औसतन आप जो है एक घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर की जो है आप 30 किलोमीटर ही निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो,
या तो फिर गाड़ी का ही बिल्कुल भूल जाओ कि गाड़ी टूटे फूटे कुछ नहीं, मुझे तो 60-70 किलोमीटर निकालना है, तब तो आप भले ही गाड़ी इसमें दौड़ा सकते हो, नहीं तो भाईजान बहुत भाईजान ये रास्ता है भाई, बिल्कुल एकदम बढ़िया। देखना ये मोटरसाइकिल वाला लहरा रहा है, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल मूड में चल रहा है, बिल्कुल देखो ये बीच रोड पे चल रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है, आप निकलो या ना निकलो ये आपके रास्ते में आएंगे। हम लोग जो है किसनी पहुँच चुके हैं, किसनी के बाद कुसमरा और फिर इटावा। तो किसनी में भी कुछ खास तरीके की अच्छी रोडें नहीं मिली हैं, वैसी टूटी रोडें हैं जैसा कि हमें पीछे रोडें मिली हैं। अच्छी रोडें ना होने के कारण जो है अच्छा जो है हम लोग गाड़ी की मेंटेन स्पीड नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल स्पीड में ही गाड़ी चल रही है अभी जो है, गाड़ी की स्पीड लगभग 25 की लगभग है। और मुख्य इसका कारण है भीड़ और प्लस टूटी हुई रोड है, ट्रक रास्ते में मिला था। और एक देखिए यहाँ पर भी अनलोड हो रहा है, तो भैया इनका कोई पता नहीं है, कहीं भी बीच में खड़ी करके और उतारना शुरू कर देते हैं। स्कूटी जा रही है, इसमें 3 लोग बैठे हैं और बीच वाला आदमी जो है हेलमेट लगाए है, और बाकी ड्राइवर और पीछे जो बैठा है वो हेलमेट नहीं लगाए है। पर राहुल बैठे हुए हैं, ये धुआंधार फाइटर हैं, धुआंधार गाड़ी चलाते हैं, और मुकेश भाई पीछे बैठे हैं और हम तो आगे बैठे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग कर ही रहे हैं। तो कुछ कहना चाहोगे आप बताओ भाई, क्या बोल रहे हैं? तो भाई मुकेश भाई ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि कैमरा के आगे हर आदमी जो जल्दी नहीं बोल पाता, या तो आप पहले से ही सोचना पड़ता है कि मुझे बोलना क्या है ना। ये आप चलते हो जैसे कि ये देख रहा है जंगल टाइप में इलाका, रोड के दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं। इन इलाकों में नीलगाय का बहुत खतरा रहता है, चाहे आप दिन में निकले रात में, रात में तो पक्का नीलगाय का इतना खतरा रहता है, जिधर लाइट जल रही नीलगाय उधर ही दौड़ के आएगा। और अभी यहाँ से जो है ग्वालियर 142 किलोमीटर है, और इटावा सफारी पार्क यहाँ से 33 किलोमीटर है, और भिंड यहाँ से 67 किलोमीटर के लगभग है। रोड पे जानवरों का कोई भरोसा नहीं, कहीं भी आपको गाय भैंस ये देखिए खड़े हुए मिल सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है किधर दौड़ जाएं, तो इसलिए आराम से गाड़ी चलानी चाहिए। पूरा एरिया जो है कटरी एरिया है, हालांकि खेती होती है लेफ्ट और राइट आप देख। गाय भैंस के देखो बीच में घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको पता है कोई टक्कर भी नहीं मार पाएगा इसके। अब आगरा यहाँ से 133 किलोमीटर रह गया, ग्वालियर 124, और इटावा मात्र यहाँ से 12 किलोमीटर है। लगभग अभी समय हो गया है 9:30 और हमें लगभग अभी यहाँ से लगभग 20 से 22 मिनट और लगने वाला है। इटावा 10 किलोमीटर, ग्वालियर 122, कन्नौज 109 किलोमीटर। धीरे धीरे रास्ता कम हो रहा है और नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं हम लोग। ऊपर रेलवे लाइन है और इटावा ग्वालियर और कानपुर ये तीनों वहाँ जाती है। इटावा में रेलवे स्टेशन है ना, इटावा में रेलवे स्टेशन भी है, आप ट्रेन से भी लॉयन सफारी यहाँ पर आकर घूम सकते हैं, बस स्टैंड भी है, और रात में लगभग कम बसें यहाँ से आपको मिलेंगी आपके लिए जाने के लिए। तो पर्सनल गाड़ी से अगर आते तो और बेटर है, मोटरसाइकिल से भी आप आ सकते हैं अगर नज़दीक के हैं तो। तो राहुल तुमने उत्तराखंड की ट्रिप की है? हाँ हाँ, घूमे पूरा इलाका पूरा। कहाँ कहाँ घूमे उत्तराखंड में? उत्तराखंड में आपका हरिद्वार है, यहाँ नैनीताल है, काठगोदाम है, ये पूरे इलाके घूमे सब। तो पहाड़ों पे लोग कैंपिंग भी करते होंगे? हाँ हाँ। तो यार कैंपिंग हमें भी करनी है यार, टेंट लेना है यार एक मेरे को। डबल बेड वाली मच्छरदानी नहीं होती, वो उससे काम चला लेंगे। मच्छरदानी लगा के? और क्या। अरे यार मच्छरदानी से मच्छर तो रुक सकते हैं, पर यार जब पानी भर जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग? क्यों तब यार मेरे तो भाई भीग जाएंगे। तो भैया टेंट तो लेना ही पड़ेगा यार। तो इटावा पहुंच चुके हैं और समय 10:15 है अभी बाकी, और यहाँ पर भी देखिए बहुत जाम है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, और इस भीड़ के ही कारण हम लोग शुरू से अभी तक लेट रहे हैं। बहुत ज़्यादा यार जाम है यार, बहुत भीड़ है यार।
और देखो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, कोई आप निकल भी नहीं सकते यहाँ से। देखो यहाँ से रास्ता बंद है, आगे चलो, इधर से रास्ता बंद है उधर जाने का। ओ भैया गड्ढे, भैया गड्ढे में सड़क है पूरी, सड़क गड्ढे में नहीं है, गड्ढे में सड़क है। यह देखो पूरी गंगा जी भरी पड़ी है यहाँ पे, लेफ्ट चलना है हमको। देखना भैया ठेली वाला भी घुसेड़े दे रहा है। अरे भैया जय श्री राम की। अरे पानी है, पानी क्या गाड़ी धुल, ये गाड़ी गंदी है ना, तो गाड़ी धुलने के लिए पानी भर रखा है रोड पे, जिससे आप गाड़ी धुल लो। अब गड्ढा तो नहीं है कहीं, भट्टे से घुस जाए हम लोग अंदर, है ना। वाह भाई वाह, क्या बात है, फ्री जो है क्लीनिंग गाड़ी की, नीचे का गाड़ी का बेस जो है धुलने के लिए यहाँ पानी भरा गया है। और देखिए किस तरीके से पानी जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए। वाह भाई वाह, पानी 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 ही पानी, पानी 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 पानी, ये बड़ा यार रोडों का तो हाल बुरा है भाई यार। 100 किलोमीटर 3.5 घंटा, कमाल हो गया यार, मजा आ गया भाई। बीच में गाड़ी खड़ी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट राइट जाए, अब मोबाइल बाबा बताएंगे किधर चल। अब मिला है हाईवे और अभी हम लोग जा रहे हैं टाटा के सर्विस सेंटर पर, वहाँ पर थोड़ा गाड़ी को दिखाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ का विजिट करेंगे। और अब आया है कुल मिला के धांसू रोड, और इसी रोड से आप जो है झांसी को जा सकते हैं, यहाँ से झांसी आप